यू, आप सबको भी बधाई है मेरी तरफ से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आज कई विषयों को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकेत किए हैं और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो उन्होंने काम किए हैं 10 वर्षों में, गरीब व्यक्ति तक जो सरकार पहुंची है, 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम हम मजबूती से करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबको साथ लेकर के मजबूती से हरियाणा को जो गति विकास की चली है, आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो काम हुए थे, उन कामों को भी और गति देते हुए आगे बढ़ाना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनका आशीर्वाद मिला है, आज आशीर्वाद लेने के लिए गया था। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की सरकार की जो एक मजबूती से हरियाणा के अंदर मनोहर जी के नेतृत्व में एक छवि बनी है और अंतिम व्यक्ति तक उनके नेतृत्व में जो सरकार पहुंची है, उन सब बातों को भी आगे बढ़ाना है। और मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि चुनाव है और उस चुनाव के अंदर लोग नहीं भूले हैं कांग्रेस के उस कार्यकाल को भी। सब जानते हैं लोग कि गैस का सिलेंडर लेने के लिए 3 दिन तक उनको लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, तब जाकर के एक गैस का कनेक्शन कांग्रेस के समय में मिलता था। और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार था कांग्रेस के समय के अंदर, आज इस डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व के अंदर देश और प्रदेश में विकास की एक नई गति, नया भारत, नया हरियाणा, विकसित भारत, विकसित हरियाणा, वो आज लोगों के सामने नजर आ रहा है। उस कार्य को हमने आगे बढ़ाना है, ऐसा आशीर्वाद हम लेने के लिए गए थे। तो 2-3 डिसीजन पेंडिंग है, जैसे मनोहर लाल जी ने भी इंडिकेशन दिया था, अब आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इत्तेफाक है कि तीनों पद हैं, तो अब प्रदेश अध्यक्ष के साथ आपका जो नया मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसकी जानकारी इस दौरे के बाद कुछ और स्वरूप ले पाएगी? देखिए, इसके ऊपर बैठ करके उच्च लीडरशिप से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमने चर्चा की है और जैसा भी संकेत आदेश होगा उसको आगे बढ़ाएंगे। ये आपके पास जानकारियां हैं, अभी मेरे पास जानकारी नहीं। इस हिसाब से कुछ संपर्क बातचीत जो एक ऑफिशियली आप लोगों को करनी थी, कोई वजह होती है जैसा है, उसके बाद हो पाई? नहीं है, विश साहब हमारे सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ नेता हैं और उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ है। मेरी बात भी उनसे हुई थी, कल भी हम विधानसभा में इकट्ठे थे, उनका खूब आशीर्वाद है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर की चर्चाएं हैं, इस पर कोई बात हुई है? संजय भाटिया साहब का नाम आ रहा है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर? नहीं, देखिए, ये संगठन के अंदर बैठ कर के सारे तय होते हैं और संगठन जैसा दिशा निर्देश देता है उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। आज की मुलाकातें और भी कुछ दिल्ली में होनी हो सर आपकी? अभी महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी से भी उनका आशीर्वाद मिले, उनके पास अभी जाना है और उनका भी आशीर्वाद लेंगे। सर,
6 सीटों पर ऐलान कर दिया गया है, 4 सीटें दिल्ली हरियाणा की बची है और 1 सीट आपकी ही बची है, यहाँ से आम आदमी पार्टी के मुख्य उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं, तो क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर यहाँ आपके विधानसभा लड़के और मुख्यमंत्री के तौर पर ही रहेंगे? ये तो आपको भी संकेत साफ हो गया है, 10 की 10 लोकसभा की सीटें वो आ जाएंगी, 6 आ गई हैं, 4 और जल्दी ही लिस्ट जारी हो जाएगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड जब उसको जारी करेगा 10 के 10 कमल के फूल नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे। जेजेपी ने जब छोड़ा साथ आप लोगों का, कल एक रैली हुई और जो पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे दुष्यंत चौटाला, कहे कि राय तो गई गई, खुट्टा भी पाड़ के लेगी, पूरी शक्ल जो सरकार की है वो बदल गई, तो कहीं ना कहीं अब आप लोगों पर जेजेपी की तरफ से भी हो रहा है? और देखिए, क्योंकि ये उच्च स्तर का निर्णय और जिस प्रकार के जन की भावना, उस भावना को लेकर के आज हमारे सामने, क्योंकि 10 की 10 लोकसभा की सीटें हैं और यहाँ से मजबूती से हम जीतेंगे, मनोहर जी के नेतृत्व के अंदर बड़ा हरियाणा ने विकास किया है और जो गुड गवर्नेंस का एक उदाहरण भी है वो भी देखने को हरियाणा के अंदर। देखिए, ये गठबंधन ये कोई हमारा पार्टी का नहीं था, ये गठबंधन सरकार का था, सरकार के साथ गठबंधन था और 10 की 10 हमने लोकसभा की सीटें जीतनी है, हमने पीछे भी 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीती, बधाई।